नात मोहब्बत रसूल इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहजीब फिक्र और ततहीर कलब का सामान है। शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी के ज़ेर साया मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर में नौजवान नस्ल को मुअल्लिम इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन करम से वाबस्ता करने के लिए हसन बिन साबत सेंटर फॉर रिसर्च इन नात लिटरेचर का क़याम अमल में लाया गया। मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर को इस अमर पे समीम कल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने बहुत अहम लायक सद तहसीन इकदाम किया है। 4 नवंबर 2021 को चेयरमैन सुप्रीम कौंसिल मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल डॉक्टर हसन मोहियुद्दीन कादरी ने मुल्क भर से नातिया अदब की नुमाइंदा शख्सियात की मौजूदगी में सेंटर का इफ्तिताह किया। मिनहाज यूनिवर्सिटी को इस खूबसूरत इकदाम पर सैयदना हसन बिन साबित रिसर्च सेंटर के इजरा पर एक खूबसूरत मिसाल के क़याम पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। डिप्टी चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर प्रोफेसर डॉक्टर हुसैन मोहियुद्दीन कादरी और वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर साजिद महमूद शहजाद की ज़ाती दिलचस्पी ने नात रिसर्च सेंटर को बहुत कम अरसे में फ़ाल और नतीजा खेज बना दिया है। जहां मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर में इनफरादियत के हामिल बहुत से शोबे और रिसर्च सेंटर्स काम कर रहे हैं, वहीं पर नात के हवाले से एक अजीम शान रिसर्च सेंटर की बुनियाद रखी गई है जिसको हसन बिन साबित सेंटर ऑफ रिसर्च इन नात लिटरेचर कहा जाता है, जो इस वक्त नस्ल नौ की फ़िक्री आबियारी और उनमें फ़रोग़ इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मसरूफ़ है। वाइस चांसलर मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर प्रोफेसर डॉक्टर साजिद महमूद शहजाद ने रिसर्च सेंटर के हवाले से बताया कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में किसी यूनिवर्सिटी में नातिया अदब पे तहकीक के लिए कायम होने वाला ये पहला सेंटर है जो कि नातिया अदब पे तहकीक करने वाले स्कॉलर्स और उसातज़ाए इल्मो फ़न की इल्मी पज़ीराई का बेहतरीन ज़रिया भी है। हम जिस दौर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये एक मुकाबले का दौर है, इसमें वही इदारे तरक्की की दौड़ में आगे निकल रहे हैं जिनमें तहकीक और रिसर्च का रुझान पाया जाता है। इस सेंटर ने बहुत कम वक्त में अपने क़याम के मकासद का सफ़र बहुत तेज़ी से तय किया है। फ़रोग़ नात और नात मज़ामीन पे तहकीक के ज़िमन में इसकी खिदमात गिरां कदर हैं। पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में किसी यूनिवर्सिटी में नात या अदब पे तहकीक के लिए कायम होने वाला ये पहला सेंटर है। ये सेंटर पूरे मुल्क से नात पे तहकीक करने वाले स्कॉलर्स और नागदीन के लिए अपनी तहकीकात अहले इल्म के सामने पेश करने का मौसर प्लेटफॉर्म भी है और फन नात की इल्मी पेशराई का बेहतरीन मरकज भी है। रजिस्ट्रार मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर डॉक्टर खुर्रम शहजाद ने नात रिसर्च सेंटर के क्याम को फ़रोग़ नात और तहकीक नात के लिए एक अजीम सरमाया करार देते हुए कहा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ना, नात लिखना और इस पर तहकीक करना एक अजीम सआदत है। हसन बिन साबित सेंटर फॉर रिसर्च इन नात लिटरेचर मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर में कायम करदा बाकी रिसर्च मराकज में एक मुनफरिद और मुमताज़ हैसियत रखता है। ये रिसर्च सेंटर फ़रोग़ नात और तहकीक नात के लिए बहुत से काम कर रहा है। मुख्तसर दुरानिये के मुख्तलिफ कोर्सेज का इजरा किया जाता है। कोर्सेज में शिरकत के लिए मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र और मुख्तलिफ इलाक़ों से लोग और तलबा व तालबात शिरकत करते हैं। हम नात के फ़रोग़ के हवाले से, नात के फ़न के हवाले से, नात पर की गई तहकीक के हवाले से, नात पर जारी होने वाले रसाइल व जराइद के हवाले से बहुत कुछ जान सकेंगे। डायरेक्टर हसन बिन साबत सेंटर फॉर रिसर्च इन नात लिटरेचर डॉक्टर सरवर हुसैन नक्शबंदी ने सेंटर के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि HCRN का बुनियादी मकसद मौजूदा दौर में नातिया अदब के अजीम सरमाए को महफूज बनाना है। नात से वाबस्ता संजीदा हलकों की एक दरीना ख्वाहिश अरसा दराज से थी कि एक ऐसा मौजू जो अहले मोहब्बत के दिलों के बहुत करीब है उसके हवाले से कोई इल्मी तहकीकी और तरबियती मरकज़ कायम होना चाहिए, जिसे मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर ने पूरा करके एक तरफ तो अव्वलियत का एजाज़ हासिल किया है और दूसरी तरफ दीगर जामियात को यूनिवर्सिटीज़ को इस पर काम करने के हवाले से एक रास्ते का तायुन भी कर दिया है। इस सेंटर ने बहुत कम अरसे में अपनी फ़ालियत के सबब नात से मुंसलिक दुनिया भर के
हलकों की भरपूर तवज्जो हासिल की है। डिप्टी डायरेक्टर राशिद हमीद किलामी ने नात रिसर्च सेंटर के जेर साया गुज़श्ता बरसों में होने वाले तहकीकी काम और तकरीबात का जिक्र करते हुए कहा कि सेंटर ने मुख्तसर अरसे में शानदार इल्मी और तहकीकी काम किया। हसन बिन साबित सेंटर फॉर रिसर्च इन नात लिटरेचर के अहम कामों में से साल ब साल कौमी अदबी नात कॉन्फ्रेंस का इनाकाद और एच ई सी से मंजूर शुदा डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज वगैरह हैं। इसके अलावा ये सेंटर नातिया तहकीक के हवाले से नमाया खिदमात सर अंजाम दे रहा है। माजी करीब में नात रिसर्च सेंटर के जेर साया नात और सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूदात पर मुतअद्दद तकरीबात मुनक्कद की गईं, जिसमें सबसे अहम दूसरी कौमी अदबी नात कॉन्फ्रेंस है जो मार्च 2023 में नात फोरम इंटरनेशनल के बाहमी इश्तराक से मुनक्कद की गई। कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर से इल्मी और अदबी शख्सियात, नात गोयान, मुहक्किकीन और मुसन्नफीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में नात के शोबे में 65 से जायद मकाले पेश किए गए, जबकि कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर कौमी नातिया मुशायरा मुनक्कद हुआ, जिसमें लगभग 50 शोराए कराम ने शिरकत की। जनवरी 2023 में उर्दू शोरा को मिसरा तरही के मुताबिक ताज़ा नातिया कलाम लिखने की दावत दी गई। पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक से सैकड़ों की तादाद में शोरा ने अपना नातिया कलाम लिखकर इस सरगर्मी में हिस्सा लिया। अहले बैत अतहार की सीरत के बयान के लिए माह मुहर्रमुल हराम की मुनासिबत से महफिल मुसालमा का इनेकाद किया गया, जिसमें लाहौर और गर्दोनवा से तल्लुक रखने वाले तकरीबन 30 शोराए कराम ने अहले बैत अतहार की बारगाह में हदिया सलाम पेश किया। इसके अलावा नात के आदाब से आगाही के लिए मिनहाज टीवी पर 10 प्रोग्रामों पर मुश्तमल सीरीज का एहतमाम किया गया। वाकया करबला के तनाजुर में इंसानी बकाओ उरूज के फलसफे पर मबनी 10 इकसात पर मुश्तमल प्रोग्राम किया गया, जिसमें मोतबर शोराए कराम ने बारगाह शुहदाए करबला में नजराना अकीदत पेश करने की सआदत हासिल की। सेंटर के जेर साया मुजद्दद नात जनाब हफीज ताइब की बरसी की मुनासबत से पुरवकार तकरीब के अलावा उर्दू जुबान में सबसे ज्यादा नातिया अदब तख्लीक करने वाले अजीम शायर राजा रशीद महमूद के 75 नातिया मजमुओं पर मुश्तमल कुलियात की तकरीब भी मुनक्कद की गई। दो हजार 2023 में HCRN ने लाहौर डिवीजन की जामियात और कॉलेजेस के तलबा व तालबात के माबैन मुकाबला हुस्ने नात निशाने मोहसिन काकोरी का एहतमाम किया, जिसमें 65 से जायद शुरका ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलहाए अकीदत पेश किया। हसन बिन साबित सेंटर फॉर रिसर्च इन नात लिटरेचर के ज़ेर एहतमाम सितंबर 2023 में यूनिवर्सिटी कैंपस में 2 माह के दौरानिए पर मुश्तमिल एक शानदार तरबियत नात कोर्स का आगाज़ किया गया, जिसमें मेहमान उसातज़ा ने तलबा को फ़न नात और अदबियात नात से रोशनास कराया। कोर्स में लाहौर और दीगर शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले लगभग 130 तलबा व तालबात ने शिरकत की। अलावाज़ीं ज़राए अबलाग पर एंकरिंग और अवामी मजालिस में नकाबत के लिए HCRN ने 2 माह पर मुश्तमिल पब्लिक एंड मीडिया होस्टिंग कोर्स का एहतमाम किया। इस कोर्स में पाकिस्तान और दीगर शहरों से आए 200 के करीब तलबा व तालबात ने शिरकत की। अपनी नोयत के इस मुनफरिद कोर्स में मीडिया इंडस्ट्री से तल्लक रखने वाले मुमताज़ डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एंकर्स, दीनी स्कॉलर्स और उसातज़ा इल्मो फ़न ने तलबा की तरबियत के फ़राइज़ अंजाम दिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस्वा हसना पर अमल पैरा होना और इश्के मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दिलों में जान गुजी करना हमारी निजात का जरिया है। मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर में नात के फरोग और तहकीक के लिए बनाया गया रिसर्च सेंटर नौजवान नस्ल में इश्के मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जज्बा पैदा करने के लिए एक बेहतरीन रोल मॉडल है।